बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल सिंपल रेसिपीज़। कैसे हैं सब लोग? अल्लाह से दुआ है अपने घरों में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम आमीन। तो जी, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही आसान सी एक रेमेडी लेके आई हूँ, जो कि है शुगर पेशेंट्स के लिए। और ये हम बनाएंगे एक जूस जो कि आपको शुगर कंट्रोल करने में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा देगा। और ये हम बनाएंगे टमाटर, खीरे, करेले और हरा धनिया से। चलें अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने खीरे, टमाटर और करेलों को रफली चॉप कर लिया था। और यहाँ पे हमने करेले के जो छिलके और इसके बीज रिमूव नहीं करने थे। और इन सब चीज़ों को हम डाल देंगे ब्लेंडर के अंदर, क्योंकि इसको हमने करना है ब्लेंड। और यहाँ पे मैं डालूँगी एक गिलास के करीब पानी। और ये सब चीज़ों को डाल के हमने इसको ब्लेंड कर लेना है। ब्लेंड करने के बाद इसको हमने स्ट्रेनर की मदद से छान लेंगे ताकि इसका सारा जूस हमें मिल जाए। और अगर आपको जूस कम लगता है तो थोड़ा सा आप इसके अंदर पानी और ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से इसको छान लेते हैं। और इसको अच्छी तरह से छान लिया हमने। छानने के बाद हमारा ये एक गिलास के करीब जूस रेडी हो चुका है। और आपने इस जूस को डेली जो है मॉर्निंग में निहारमू यूज़ करना है। और अगर किसी वजह से आप इसको मॉर्निंग में यूज़ नहीं कर सकते तो आपने शाम में इसको यूज़ करना है। इसके बेशुमार फ़ायदे हैं। इसको यूज़ करने से आपकी शुगर काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाएगी। तो उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी। कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।